फीमेल अगर कंसीव नहीं कर पा रही है तो उसके पीछे मल्टीपल रीजंस हैं। सबसे पहले तो फेलोपियन ट्यूब का ब्लॉकेज होना, देन AMH एंटी मुलेरिन हार्मोन, अगर उसका एक लेवल बिल्कुल जीरो लेवल पे आ जाए तो कंसीव होना मुश्किल हो जाता है। लेकिन पावर ऑफ आयुर्वेदा में इतनी पावर है कि आप नेचुरल तरीके से कंसीव कर सकती हैं। उसके बाद PCOS, PCOD, थायराइड हार्मोन और ओवरवेटेड होना या डिप्रेशन, एंजाइटी भी मेन कारण है कि आपको कंसीव नहीं हो पा रहा। मेरे को ऐसे केसेस में देखे है कि जेडे पेशेंट IVF नाल बच्चा कंसीव करवाते हैं उसकी वजह नाल की होता है, उन्होंने ब्रेस्ट कैंसर, इरिटेशन, डिप्रेशन, इतों तक कि बाइपोलर डिसऑर्डर की प्रॉब्लम आती पी है। तो तुम बिना IVF दे भी पावर ऑफ आयुर्वेदा थ्रू कंसीव कर सकते हो। आप भी मानती हैं कि जैसे बदलते वक्त के साथ हम बदले हैं, उसने हमें कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिया? यस मैम, बिल्कुल छोड़ा है पीछे। सबसे पहले तो मैम, फीमेल अगर कंसीव नहीं कर पा रही है तो उसके पीछे मल्टीपल रीजंस हैं। सबसे पहले तो फेलोपियन ट्यूब का ब्लॉकेज होना, देन AMH एंटी मुलेरिन हार्मोन, अगर उसका एक लेवल बिल्कुल जीरो लेवल पे आ जाए तो कंसीव होना मुश्किल हो जाता है। लेकिन पावर ऑफ आयुर्वेदा में इतनी पावर है कि आप नेचुरल तरीके से कंसीव कर सकती हैं। उसके बाद PCOS, PCOD, थायराइड हार्मोन और ओवरवेटेड होना या डिप्रेशन, एंजाइटी भी मेन कारण है कि आपको कंसीव नहीं हो पा रहा। ये मेन कारण है जी। और स्क्रीन पर नंबर दिया जा रहा है, आप इस रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप डॉक्टर नेहा जी से संपर्क कर सकते हैं। नेहा जी, पंजाब की जो गल करिए ना, पंजाब दे विच तुसी जिहड़े मर्जी शहर दे विच चल जाओगे तो तुसी बहुत वड्डे वड्डियां फ्लैक्सां लगे वेखोगे कि IVF अब माँ बनने का सुख पाए IVF के जरिए। तुहाडे अकॉर्डिंग की IVF हैल्दी ट्रीटमेंट हैगी एक औरत दे लई? देखो मैम, किते ना किते IVF विच ना 3 साइकिल हुंदे आ। मेरे को जिन्ने भी केसेस आंदे है वह सारी जगह घूम के मतलब बॉम्बे तक भी होके आंदे है, वह तीनों फेज जो फेल हो जाते फिर आयुर्वेद आंदे है। तो कितने कितने IVF के साइड इफेक्ट्स है गए है। बहुत सारे मेरे को ऐसे केसेस मैं देखे है कि जेडे पेशेंट IVF नाल बच्चा कंसीव करवाते हैं उसकी वजह नाल की होंगे, उन्होंने ब्रेस्ट कैंसर, इरीटेशन, डिप्रेशन, इतों तक कि बाइपोलर डिसऑर्डर की प्रॉब्लम आती पी है। तो IVF के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स है। तो तुम बिना IVF के भी पावर ऑफ आयुर्वेदा थ्रू कंसीव कर सकते हो नेचुरल जी। और मैं स्क्रीन पर जिन्हें भी दर्शक मेरे नाल जुड़े हुए हैं, मैं जरूर दसना चाहवागी, मेरा एक नोन दे विच होया सी, फैमिली फ्रेंड सीगे ते उन्हां दी बेटी नूं 10 साल हो गए से विआह दे, ते उस तो बाद उन्हें IVF दी ट्रीटमेंट जरिए कंसीव किया, ते जदों 6 मंथ विच सीगी शुगर उहदी ड्रॉप कर गई जिस करके उहदी मौत हो गई। ते एक एक माँ ते इस करके होड़ दे विच लगी कि मेरे घर बच्चा आवे, ते एक इस एक बच्चे करके एक माँ ने अपना बच्चा गवा लिया। ते असीं मानदे आ कि IVF डेंजरस वी हा। जी मैम बिल्कुल हैगा, IVF दे साइड इफेक्ट्स हैगे मैम। आर्थराइटिस, कैंसर जिवें तुसीं दस्सिया। जी मैम, मोस्टली जिहड़े IVF दे पेशेंट हुंदे आ जिहड़े कि मैं अपनी गुड़गांव हॉस्पिटल विच साडे हॉस्पिटल आंदे हैगे आ, मतलब 4 to 5 केसेस इस तरह दे आए हैं कि जिन्हां नूं ब्रेस्ट कैंसर दे इशूज आए हैं, कईआं नूं मैम लीवर कैंसर भी आया है। कितने कितने कई प्रॉब्लम तो आएगी ना, तुसीं अपनी बॉडी च एक्सट्रा उस चीज़ नूं कर रहे हो। तो बहुत सारे जिस तरह तुसीं बोलिया कि केस होया है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम आती पई है, अगर किसी का बिल्कुल हाइपर ग्लाइसीमिया चला गया तो भी दिक्कत आएगी, अगर हाइपोग्लाइसीमिया हो गया मतलब शुगर लेवल डाउन हो गया जब बढ़ गया तो भी बहुत सारे इशूज आते हैं, हार्ट अटैक इस तरह।